एक कहानी है, उसने कहा था, किसने कहा था, क्यों कहा था और कहाँ कहा था। तो ये कहानी मैंने भी वैसे ही पढ़ी कि मैं क्यूरियस था इस कहानी को लेकर के, मतलब मेरा मन था, मेरी जिज्ञासा थी कि उसने कहा था। तो ये अपने आप में एक ऐसा शीर्षक है जो आपके मन में सवाल पैदा करता है कि किसने कहा था और क्या कहा था। क्योंकि उससे पहले मैंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कोई भी कहानी नहीं पढ़ी थी। मतलब कहानी शुरू होती है अमृतसर के किसी बाज़ार से, जहाँ पर एक 12 साल का लड़का एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचा लेता है और खुद की जान को जोखिम में डाल देता है। और वो बच्ची उसे देखती है, वो भी मुस्कुराता है और दोनों चले जाते हैं। और ऐसे ही वो 2-3 बार और मिलते हैं और उस बच्ची से उसको एक अजीब सा एक लगाव सा हो जाता है। और वो उस बच्ची से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई क्या? तो वो बच्ची मुस्कुरा जाती है और वो अपना एक शालू दिखाती है और बोलती, ये देख, और हंस के चली जाती है। ये कहानी, मतलब यहाँ अमृतसर का चैप्टर क्लोज हुआ और कहानी वर्ल्ड वॉर के समय आ जाती है। और उससे पहले ये मिलता है, ये जो कैरेक्टर है लहना सिंह, ये अपने सूबेदार के घर जाता है सूबेदारनी से मिलने। तो ये वो लड़की वही है जो जिससे अमृतसर में मिला था। मतलब आप देख रहे हो कि प्रेम ऐसा है कि वो उसे पहचान जाता है। और ये पूरे 25 साल हो चुके हैं, मतलब 25 साल बाद लहना सिंह उस महिला से मिल रहा है जिससे वो बचपन में, जिससे उसे प्यार हुआ था, जिस तो बहुत कम उम्र थी उसकी उस वक्त। और वो उससे कहती है कि मेरे और मेरे बेटे की रक्षा करना। तो उसने कहा था, ये कहानी यहाँ रिवील होती है कि उसने कहा था। अब आगे क्या होता है कि ये कहानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के सिनेरियो में पहुँच जाती है, जहाँ पर इंडिया की तरफ से, हमारे देश की तरफ से जो फौजें गई थी, सिख रेजिमेंट जो भी भेजी गई थी, वो वहाँ है फ्रांस में जर्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब वहाँ जो है सूबेदारनी का पति हजारा सिंह और उसका बेटा बोधा सिंह, पिता को पुत्र मोह है, बोधा सिंह को मतलब अपने बेटे से बड़ा लगाव है। और वो वहाँ पर जर्मन भेदिए आ जाते हैं, मतलब वो भेष बदल करके आते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें मार दे, लेकिन लहना सिंह बहुत बहादुरी से उनसे लड़ता है और उनको मार देता है। अब सब घायल हो जाते हैं, लहना सिंह की भी जांघ में गोली लग जाती है। तो जब अगले दिन युद्ध विराम होता है उस जगह का, मतलब वहाँ वो घटना थोड़ी शांत होती है, उन लोगों को वो हरा देते हैं, तो गाड़ी आती है जिसमें सब लोगों को ले जाया जा रहा होता है। तो उसमें जगह इतनी होती है कि वो 2 लोगों को और बिठा सकें। तो लहना सिंह को उसने कहा था, तो लहना सिंह उन उसके सूबेदारनी का पति यानी हजारा सिंह को और उसके बेटे बोधा सिंह को उस गाड़ी में बिठा देता है और भेज देता है। तो मतलब आपको जब छोटे कम उम्र होती है ना आपकी, तो जब आप ऐसी कहानियां पढ़ते हैं तो शायद आप प्रेम को समझ पाते हैं कि प्रेम सिर्फ शारीरिक हो, ये तो ज़रूरी है ही नहीं। मतलब प्रेम एक आदमी बचपन में, मतलब किसी से जिसे प्यार हुआ हो और वो इतने सालों बाद उससे मिल रहा है और अपनी जान को जोखिम में डाल रहा हो, उसकी खुद की भी पत्नी है। लहना सिंह की ख्वाहिश है कि वो अपने गाँव में अपनी नदी के किनारे खेत है, वहाँ उसके भाई की गोद में मरे, लेकिन उसको अंत में ये नहीं सूझ रहा है। मतलब उसका किरदार इस तरीके से लिखा गया है कि जब वो मर रहा है अंत में, तो उसे बचपन की वो गलियाँ याद आ रही है और अमृतसर की वो लड़की याद आ रही है। मतलब प्रेम को किस तरीके से उन्होंने दिखाया है कि आपके दिमाग से वो कहानी निकल ही नहीं सकती कि कैसे लहना सिंह का एक अमर प्रेम है। मतलब ये कहानी शायद बेस्ट 10 कहानियों में कहीं मैंने पढ़ा था। एक न्यूज़ में, ये मधुरिमा करके जो न्यूज़ आती है न्यूज़पेपर के साथ वो आता है, उसमें मैंने एक लिस्ट काटी थी, उसमें सबसे पहली कहानी का नाम यही था उस वक्त भी, उसने कहा था। तो ये कहानी 12th में थी, 12वीं क्लास की हिंदी की किताब में थी। और ये कहानी अपने आप में ऐसी है कि जब आपने खुद ने कभी किसी से प्रेम किया हो, तो आपको महसूस कराएगी कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं या आपने उसके लिए क्या किया है। क्योंकि ये भी तो मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर आपका सच्चा प्यार है तो मुकम्मल होगा ही नहीं, मतलब आप मिलोगे ही नहीं, क्योंकि प्यार तो जान मांगता है। ऐसा कुछ पढ़ा है मैंने इसके बारे में भी। ये लोग कहते हैं कि जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, बहुत सारी कहानियों में अमर प्रेम कहानियाँ जिनमें किरदार कभी मिल ही नहीं पाए,
तो इसी तरीके से ये कहानी उस वक्त जब मैंने पढ़ी थी तो मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा इसने प्रभावित किया कि प्रेम क्या है, प्रेम के मायने क्या है, लोग उसको किस तरीके से समझते हैं और आपके खुद की समझ के क्या मायने होने चाहिए। कि लेना सिंह ने कैसे अपनी प्रेमिका जिस जो कि बचपन में थी या जो बाद में भी मिली और उससे उतना ही प्यार है कि उसने कहा था, इसलिए उसने उन दोनों को बचाया और अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपना अंत कर लिया, लेकिन फिर भी वो इस बात से संतुष्ट था कि उसने कहा था। तो ये उसने कहा था कहानी एकमात्र ऐसी कहानी थी जो बचपन में, मतलब जिस उम्र में मैं खुद प्रेम की एज में था, जिसने मुझे समझाया कि या महसूस कराया कि प्रेम किस तरीके से होता है या हम प्रेम को किस तरीके से देखें, हम अपने प्रेमी के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा प्रेमी हमारे लिए क्या कर सकता है और प्रेम के मायने क्या है। तो ये सभी हर व्यक्ति के अपने स्तर की बात है कि वो अपने प्रेम को किस तरीके से समझना चाहता है, क्या करना चाहता है, पर साहित्य में जिस तरीके से कहानियाँ प्रेम को लेकर लिखी गई है उनमें ये बहुत खूबसूरत कहानियाँ, मतलब आप इसे कभी भूल ही नहीं सकते। तो ये कहानियाँ आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, बहुत खूबसूरत कहानी। थैंक यू।